हेलो एवरीवन। इज एम आई हियर? चलो आज सब दिखाई भी देंगे। हाय अभिषेक, हाउ आर यू? कैसे हो अभिषेक? हाय रंजना, क्योंकि क्लास नहीं चली, एमसीक्यू वाला। यस वही ले रही, प्रीवियस रिकॉर्ड क्लास। मैम क्वेश्चन शो नहीं हो रहा है। आई एम गुड, हाउ आर यू? ओके आई एम फाइन। एमसीक्यू वाला कुछ क्लास नहीं चली उस दिन। गुड इवनिंग मैम। जया, हाय जया। वी विल वेट 2 मिनट्स सो द अदर पार्टिसिपेंट दे कैन ज्वाइन, देन वी विल स्टार्ट अवर लेक्चर टुडे। हाँ उस दिन वाला क्लास आज होगा। तो लेट मी स्टार्ट यूनिट 6 का पीडीएफ। यस यूनिट 6 का पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड, सारी अपलोड हो गई। यूनिट 6 के पीडीएफ मैंने अभी एमसीक्यू का जो लिया था, पीवाईक्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का सेट मैंने उठाया था आपके लिए, जो आपको मुझे शेयर करना है। क्या आपको पीपीटी का मतलब? गुड इवनिंग वर्षा। तो चलो एक बार मैं पहला स्क्रीन शो कर दूं पीपीटी, देन फिर मैं अपनी स्क्रीन पर आती हूँ और आपसे डिस्कस कर लेती हूँ कि इट इज अ विजिबल और नॉट। सो प्लीज लेट मी नो अगर मैं पीपीटी शो कर रही हूँ तो आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। ये पीपीटी आपको दिखाई दे रहा है? पीपीटी दिखाई दे रहा था आपको? ओके चलो फिर लेट मी स्टार्ट। देखो सबसे पहला मैंने आपको ये बताना था कि मैच द फॉलोइंग के हिसाब से क्वेश्चन आता है आपको, जिसके अंदर आपको 4 चीजें दी जाती है। द प्रैक्टिस ऑफ अ मैनेजमेंट, द प्रैक्टिस ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है, फिलोसफी ऑफ द मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो हु इज द फादर ऑफ अ साइंटिफिक मैनेजमेंट? कोई मुझे बता सकता है कि फादर ऑफ अ साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए हम किसको प्रीफर करते हैं? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, अकॉर्डिंग टू क्यू ए डी, फ्रेड
डब्ल्यू टेलर, यहाँ पर हमारे लिए क्या था ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि फादर ऑफ अ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज अ एफ डब्ल्यू टेलर, तो इसीलिए ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज अ रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि हम लोग क्या कर लेते हैं, देखिए मुझे आपको बताना था, ये देखिए यहाँ पर और यहाँ पर बी में और सी में सिर्फ एक ही अंतर है कि आपका देखो फोर वाला आंसर राइट है, थ्री वाला आंसर राइट है, फोर्थ यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट, सेकेंड वाला ऑप्शन राइट, यहाँ पर उसने मर्ज कर दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए 2-1 और 1-2 में, तो 2-1 और 1-2 में सिर्फ आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट किसका है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट एफ डब्ल्यू टेलर का है, तो इसीलिए सी का ऑप्शन जो है 2 होना चाहिए, सी का ऑप्शन क्या होना चाहिए 2, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाता है, करेक्ट ऑप्शन बी आ जाता है। इज दिस क्लियर, प्लीज लेट मी नो। तो एफ डब्ल्यू टेलर के हिसाब से ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट ऑफ अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज अ पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज पर द डैश, तो क्या आ जाएगा सी बी, देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, डायरेक्टर जो भी हो, ये मैंने आपको आंसर के साथ ही स्क्रीन शेयर कर दी है, बिकॉज मैंने एमसीक्यू टाइप का वो जो है आपके लिए अलग से संडे के लिए रेडी रखा है, बट नाउ हम लोग क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज अ पार्ट ऑफ अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो करती है, अगर डायरेक्टर अपॉइंटमेंट करती है तो वो किसके बिहाफ पे करती है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बेस पर, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। स्वतंत्र निर्देशक की नियुक्ति कॉर्पोरेट प्रशासन का हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है, सेबी का, भारतीय कंपनी अधिनियम का, भारतीय सरकार का या आरबीआई का, तो ऑप्शन सी बी इज अ परफेक्ट आंसर। यहाँ पर आ जाता है विच अमंग द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ अ जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट क्या है, ड्यूटीज परफॉर्म करना, जॉब समरी करना, जॉब आइडेंटिफाई करना, सुपरविजन और डेलीगेशन ऑफ अ अथॉरिटी। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जॉब को अच्छा से अच्छा कार्य में किस तरह से हम बदल सकते है ना, तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन के हिसाब से हमको जाना चाहिए था, तो ऑप्शन के हिसाब से फर्स्ट हमारे लिए जाएगा ड्यूटी ऑफ परफॉर्म, हम जो परफॉर्म करें ये हमारा फर्ज है, ठीक है, उसके बाद जॉब समरी, जो हम काम कर रहे हैं उसको हम डीपली समझना चाहिए कि हम किस तरह के काम कर रहे हैं, फिर जॉब आइडेंटिफिकेशन, ढूंढना चाहिए कि हमारी मतलब कौन सी जॉब हमको चाहिए, फिर सुपरविजन गिवन, फिर उसको ओवरऑल क्या करना चाहिए हमको चेक करना चाहिए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यानी हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, यहाँ पर हमको पर्सनल चीज पूछ रहा है, यहाँ पे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं आएगा, इसीलिए हम ऑप्शन फिफ्थ को नहीं कैरी करेंगे, 1, 2 और 4 को क्लियर करेंगे। इज दिस क्लियर एवरीवन, प्लीज लेट मी नो। इसका हिंदी में देख लो, निम्नलिखित में से कौन सी नौकरी विवरण के भाग्य में निभाए गए कर्तव्य दिवित नौकरी का सारा अंश है, नौकरी की पहचान, पर्यवेक्षण दिया गया, प्राधिकार का प्रतियोजन, तो यहां पर आ जाएगा देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के बिहाफ में, ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी चाहिए, देखनी चाहिए कि क्वेश्चन किस तरह से आते, तो मैंने आपके लिए देखो नंबर भी सीरियल नंबर भी चेंज नहीं किया, एक मिनट मैं आ जाती हूँ मेरी स्क्रीन पर ताकि मैं आपको इजीली अंडरस्टैंड करवा सकूं। वी विल टॉक डिस्कस अबाउट द राइट थिंग आफ्टरवर्ड, क्योंकि हमारा ये वीक में लेक्चर जो है एक बार लूज हो गया, तो मैं नहीं चाहती थी हमारे पोर्शन पे इसका इफेक्ट करें, इसलिए मैंने सोचा है कि संडे के दिन मैं आपका लेक्चर ले लूँ, विच एवर इज कन्वीनियंट टाइम टू मी, लाइक 3 बजे मैं सोच रही हूँ, 3 से 4 एक अच्छा इजी टाइम पड़ जाएगा, फिर इवनिंग में आप भी बाहर जा सकते हो अगर आपको कहीं जाना है तो, बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, सो चलो लेट वी कम और डिस्कस अबाउट दिस थिंग, ठीक है। देखो मैंने क्वेश्चन नंबर के सीरीज चेंज नहीं किए, क्योंकि किसी पेपर में बिजनेस मैनेजमेंट का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 पे मिलेगा, किसी में आपको 15 नंबर पे मिलेगा, किसी में आपको 21, 22 की सीरीज में मिलेगा, तो यहाँ पे मेरे पास जो एमसीक्यूज है वो 23rd पर आ गया, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द टेक्निक ऑफ अ मैनेजमेंट बाय द एक्सेप्शन, अब मैनेजमेंट का एक्सेप्शन किसने किया था, तो यहाँ पे आ जाएगा जोसेफ एल मैसिव ने, लेस्टर आर बेटल ने, एलेफ वुरिक ने,
पीटर एफ ड्रंकन है, पीटर ड्रंकन ने मैनेजमेंट का प्लानिंग के हिसाब से किया था, मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइज किस तरह से किया जाता है। लेस्टर आर बिटन ने मैनेजमेंट को डेवलपमेंट करने की टेक्निक बताई थी, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं एक्सेप्शन का थियोरी किसके लिए जाता है, लेस्टर आर बिटल केस पे। निम्नलिखित में से किसने उपवाद द्वारा प्रबंध की तकनीकी विकसित की, जोसेफ एल मैसिव ने, लेस्टर आर बिटल ने, एल एफ ओविट ने, पीटर एफ ड्रंकर ने? तो इसका आंसर आता है लेस्टर आर बिटल। देखो मैंने आपको थियरीज कराया है जिसके अंदर ये ऑथर्स के नाम ऑलरेडी बताए हैं, तो ये चीज इसलिए मैंने आपको कहा था कि जब आप नोट्स बनाओगे तो आपका थियरी होना चाहिए, थियरी के बाद ऑथर का नाम होना चाहिए, फिर उसने क्या कार्य किया वो होना चाहिए। फिर असर्टेन वाले क्वेश्चन आ जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कंफ्यूज करता है, बट आप इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो। ऑल डिसीजन टेकन थ्रू द मेंटल प्रोसेस आर रैशनल, यानी हम अगर दिमाग से सब सोचकर काम करते हैं तो वो रैशनलिटी यानी अच्छे से जाएगा। डिसीजन मेकिंग इज अ मेंटल प्रोसेस, यानी ये दोनों डायलॉग एक दूसरे से टच है, दोनों एक ही चीज है। तो ए आर इज अ करेक्ट बट ए इज अ नॉट करेक्ट, अब ए इज अ करेक्ट बट आर इज अ नॉट करेक्ट, बोथ ए एंड आर द करेक्ट, बोथ ए एंड आर नॉट करेक्ट। तो हमको रीजनिंग में कैसा है, देखो डिसीजन मेकिंग इज अ मेंटल प्रोसेस, और यहाँ पे बोला ऑल डिसीजन टेकन थ्रू द मेंटल प्रोसेस आर रैशनल, या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। रैशनलाइज द नंबर आपने देखा है ना, रैशनल नंबर कौन से होते हैं जिसमें पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। अब ये बता रहा है कि डिसीजन मेकिंग जो करना है ये मेंटल प्रोसेस है, यानी ये पूरा पॉजिटिव पॉइंट बता रहा है, तो ये सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट नहीं है, ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव है, इसीलिए स्टेटमेंट ए इज अ करेक्ट बट आर इज अ नॉट करेक्ट, तो करेक्ट ऑप्शन इज अ ए। इज दिस क्लियर एवरीवन? दावा ए, मानसिक प्रक्रिया के माध्यम से लिए गए सभी निर्णय तर्क संगत होते हैं, निर्णय लेना एक मानसिक प्रक्रिया है, तो सही है लेकिन सही नहीं है, ए सही है लेकिन बी सही नहीं है, ऐसे हमको कंटेंट दिया जाता है जिसके ऊपर हमको काम करना होता है। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज लेट मी नो। 22 को रिपीट करना है, मेघा का क्वेश्चन है। चलो देखो रैशनलाइज करना, रैशनलाइज करना मतलब एक रैशनल नंबर आपने देखा था, एक लाइन होती थी जब हम 8 या 9 में होते थे तो हमको रैशनलाइज द नंबर की एक लाइन होती थी जिसके अंदर पॉजिटिव नंबर भी होते थे नेगेटिव नंबर भी होते थे, तो पॉजिटिव और नेगेटिव को प्रिफर करने के लिए ये बता रहा है कि सारे डिसीजन जो दिमाग से लिए जाते हैं वो रैशनल होते हैं, या तो वो सही होते हैं या तो वो गलत होते हैं। अब यहाँ पर हम दे रहे डिसीजन मेकिंग इज अ मेंटल प्रोसेस, तो डिसीजन लेना एक मेंटल प्रोसेस है, तो डिसीजन लेना एक मेंटल प्रोसेस है नहीं, एक हम लोग हार्ट से भी कोई डिसीजन ले सकते हैं या किसी पर्सन से भी हम डिस्कशन करके डिसीजन ले सकते हैं, तो सिर्फ दिमाग से सोच के डिसीजन लेना ही डिसीजन नहीं होता, हमारी थिंकिंग के अलावा और भी कुछ पार्ट्स होते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर जिसको हम कंसर्न करते हैं, तो इसीलिए ए इज अ करेक्ट ऑप्शन बट आर इज अ नॉट करेक्ट ऑप्शन। इज दिस क्लियर? अभी यहां पर आ जाते, पहले मुझे चेक कर लेने दो इज दिस क्लियर कि नहीं, मुझे बार बार एक्चुअली। यस ओके रिया, थोड़ा स्लो स्लो जाते हैं, ठीक है बेटा? अगर 5 क्वेश्चन में अगर हम इतना टाइम लगाएंगे ना डियर, तो हमारा दिसंबर के पहले क्वेश्चन नहीं होगा, हमको पोर्शन भी पूरा करना है और हमको कंसेप्ट भी क्लियर करना है और हमको पीवाईक्यू भी देखने हैं। ये मैंने आपको 1 या 2 पेपर के जो पीवाईक्यू है मिक्सअप करके बता दिए हैं, इससे रिलेटेड और पीवाईक्यू जो होते हैं हम अलग अलग यूनिट के अलग अलग फैकल्टी के हिसाब से एक कंसेप्ट बनाकर मैं लेक्चर आपके लिए लेने वाली हूँ, डोंट यू वरीड अबाउट दैट। तो ये मुझे सिर्फ आपको बताना था कि वी आर डूइंग अ पीवाईक्यू ऑल्सो, बट एक टाइम होता है जिसको सही टाइम पर हमको आपको डिस्क्लोज करना होता है। ओके तो चलो अब हम देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग, अन ऑर्डिनरी पर्सन डज नॉट वॉन्ट टू वर्क ऑन हीज ओन, फिर अन इंडिविजुअल इज विलिंग टू वर्क ऑन हीज ओन। ओके फिर आ जाएगा मोटिवेशनल फैक्टर, मोटिवेशनल फैक्टर क्या बोलाता है, मोटिवेशनल फैक्टर जो है हाइजेन थियरी। तो देखो मैंने आपको हेरिचरी थियरी, हाइजेन थियरी, एक्स थियरी और वाई थियरी बताया था, तो ये आपको मेमोराइज होना चाहिए। हेरिचरी थियरी में क्या होता है, हाइजेन थियरी में क्या होता है, एक्स थियरी में क्या होता है, वाई थियरी में क्या होता है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ एस्टिम नीड।
अब यहाँ पे ऑर्डिनरी पर्सन डज नॉट वॉन्ट टू वर्क ऑन हिज ओन, तो एक्स थियरी या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, है ना, क्रॉस जाता है। जब हम डिमांड करते हैं और वो चीज एक्सेप्शन नहीं होती तो वो पूरी फुलफिल नहीं हो पाती, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का कंसेप्ट को देता है। वाई थियरी मतलब एक चीज होगी एक चीज नहीं होगी, ऐसे बेस पर जाता है। तो यहाँ पर 3 और 4 जो है हमारे लिए एक्स और वाई के कंसर्न को दे देता है, इसीलिए उसके बाद 3 और 4 तो आ गया हमारे पास। देखो कंफ्यूज करने के लिए 3 और 4, 3 और 4, अब कंफ्यूजन कहाँ दे रहा है, वो 1 और 2 में और 2 और 1 में। अब हमको ये देखना है कि मोटिवेशनल फैक्टर क्या है। इट इज अ हरिचरी थियरी, जो मोटिवेशन करने के साथ हम स्टेप बाय स्टेप अपने अंदर कला लेकर आ सकते हैं, एक्टिविटी को डेवलप कर सकते हैं। इसीलिए मोटिवेशनल फैक्टर जो कहलाता है हरिचरी फैक्टर कहलाता है, और एस्टीम नीड जो कहलाती है वो हाइजन थियरी कहलाती है। इज दिस क्लियर? तो इसीलिए आपको ये थ्योरी के कंसेप्ट को पहले एक बार अच्छे से पढ़ना होगा। जो बंदा या जो बंदी इस चीज को अच्छे से पढ़ लेगा, वो चीज आप परफेक्टली अपने आंसर्स पे एक्सक्लूड कर पाओगे। एक सामान्य व्यक्ति सर्वे कार्य नहीं करना चाहता। प्रधानुक्रम सिद्धांत भी, एक व्यक्ति अपने दम पर काम करने को तैयार है। स्वच्छता सिद्धांत सी, प्रेत कारण एक्सेस सिद्धांत डी, एस्टीम न्यूड्स और वी, व्हाइट थ्रेड कोड। तो इस चीज को हमको इसमें कन्वर्ट करके लेना। इज दिस क्लियर? हाय मीनू, मीनू नगवान आप न्यू लग रहे हो मुझे। पीवाई क्यों के लिए जल्दबाजी मत करो। वी आर लॉन्चिंग अ बुक फॉर यू, इफ इट इज पॉसिबल नेक्स्ट मंथ के अंदर एंडिंग तक मैं आपको दे दूंगी। और अगर आपको ऐसा लगता है पीवाई क्यों के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, हमारे गूगल पे से भी हम निकाल सकते हैं, बट मैंने उसके लिए आपके लिए प्रोसेस किया है कि आपकी जो यूनिट वाइज है ना, जैसा जो आपका पेपर है, ओके, पेपर में पीवाई क्यों जो आए हुए तो समझ लो यूनिट 1 के इस टॉपिक से आए हुए, तो मैं यूनिट 1 का जो है अभी समझ लो हरिचरी थ्योरी के ऊपर, तो थ्योरी बेस के ऊपर जो क्वेश्चन है उनको मैं PYQ का एक अलॉटमेंट कर रही हूँ। फिर उसके बाद यूनिट के अंदर, एक यूनिट के अंदर सिर्फ एक कंसेप्ट नहीं है, बहुत ज्यादा कंसेप्ट है, और वी आर जस्ट मर्जिंग ओवर डेट कि हम ये वाले यूनिट में से क्या पढ़े और ये वाले यूनिट में से क्या पढ़े। सो डेट टाइम वो चीजें क्रिएट करने को, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको ये चीज बता रही हूँ कि कोई भी बुक आपको ऐसा डीपली नॉलेज नहीं दे पाएगा। सो कहीं पे भी पैसे वेस्ट करने से बेटर है कि जस्ट वेट, ये महीने की एंडिंग तक मैं जीतू सर से बात कर आपको PDF द्वारा वो सारे कंसेप्ट दे दूंगी, या अदरवाइज आपको हमारे ऐप के थ्रू से एक बुक पब्लिश हो जाएगा। इज दिस क्लियर? अब एक क्वेश्चन और देखो। अरेंज द फॉलोइंग स्टाफिंग प्रोसेस इन द करेक्ट सीक्वेंस। अब स्टाफिंग करना मतलब चीज छांटना, ढूंढना है, तो डिटरमिनिंग सोर्सेस ऑफ अ पर्सनल सप्लाई, प्रिपेयरिंग पर्सनल स्पेसिफिकेशन, सिलेक्शन ऑफ अ पर्सनल, डिटरमाइन द पर्सनल कैरेक्टर। तो देखो सबसे पहला मुझे क्या लग रहा है मालूम है, ऑप्शन 2 पे पहले तो प्रिपेयर करना है ना, पहले तो प्रिपेयर करना है, प्रिपेरेशन पर्सनल स्पेसिफिकेशन कि हम UGC नेट की तैयारी पर्सनली कैसे करेंगे हम डिसाइड करेंगे, फिर हम उसके बाद सिलेक्ट, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा डिटरमाइनिंग द सोर्सेस ऑफ पर्सनल सप्लाई। अब हम देखेंगे कि पर्सनली चीजों के लिए हमको सप्लाई कहाँ कहाँ से मिलेगा, तो पहले ऑप्शन 2 चला जाएगा, फिर ऑप्शन 1 पर आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारे लिए ऑप्शन 3 सिलेक्शन फॉर द पर्सनल। हम चूज करेंगे कि हमको क्या पर्सनल के लिए चूज करना है, फिर उसको डिटरमाइन करेंगे। तो ये 4 ऑप्शन को लाइन से कैसे लगाना है, तो आपको बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं। एक असर्टेन वाला क्वेश्चन आ जाएगा, एक आपको चॉइस वाले 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, एक आपको डायरेक्ट चूज करने वाला आंसर आ जाएगा, और एक आपको रीजनिंग वाला क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये ऐसे 4 क्वेश्चन आपको आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। और कौन से टॉपिक पे प्रीवियस ईयर में, अभी मैं आपको और इजी इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि देखो UGC नेट का पेपर साल में 2 बार होता है। ओके, देखो मैं अभी आपको डिस्कशन बता देती हूँ, साल में 2 बार पेपर होने की वजह से, एक सेकंड में आ जाती हूँ। ओके, हिंदी भी देख लो बेटा, पहले हिंदी भी एक बार देख लो। देखो फॉलोअर्स का मिलान करे सुचित,
एक एक सामान्य व्यक्ति स्वयं कार्य नहीं करना चाहता। चुनौती सिद्धांत पहला आ जाएगा, चुनौती सिद्धांत बी आएगा, एक व्यक्ति अपने दम पर काम करने को तैयार है। स्वतंत्र सिद्धांत सी, एक्स सिद्धांत और एस्टीम नीड्स फोर्थ है व्हाइट थ्रेड। तो हम लोग उसके लिए ऑप्शन ए को पहले सिलेक्ट करते हैं, फिर हम उसके बाद हमारे यहाँ पर कौन कौन सी सीरीज राइट जाएगी वो चीज को हमको चेक करना होता है। ओके रिया, इज दिस क्लियर? अब मेरी बात सुनो, यूजीसी नेट का पेपर जो होता है, यूजीसी नेट के पेपर के अंदर अभी समझ लो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट या बिजनेस मैनेजमेंट पूरा खत्म हुआ। यूनिट वन और यूनिट सिक्स बहुत लेंदी चले हमारे, यूनिट वन और यूनिट सिक्स के अंदर। अभी यूनिट सिक्स की बात करती हूँ, यूनिट सिक्स के अंदर सिर्फ एक ही सब टॉपिक था, नहीं, हमारे पास 15 से 20 सब टॉपिक थे। अब 15 से 20 सब टॉपिक के अंदर से हर साल कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा गया है ये आपको कैसे पता चलेगा? आपने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया है? नहीं दिया। या आपने अपियर किया है पहले? नहीं, पहले अभी फर्स्ट टाइम करी या पहले किया है? क्या इसके पहले आपने ये चीजों की शोध की, ये चीज को समझा कि कौन से टॉपिक के ऊपर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ये यूनिट के अंदर कौन से टॉपिक को ज्यादा महत्व दिया गया है? क्योंकि ये यूजीसी नेट है जिनको ग्रांट मिलता है, जो हमारे लिए बेस्ट सिलेक्शन करते हैं, जो मार्केट इवैल्यूएशन के हिसाब से चलता है। आपको पता है आपके पेपर में जीतू सर आपको करंट अफेयर क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि उससे आपको पता चले कि मार्केट में चल क्या रहा है, दुनिया में चल क्या रहा है, करंट अफेयर की नॉलेज। वी विल वेट 2 मिनट फॉर द अजान। मुझे देखो, पीएचडी एंट्रेंस का टेस्ट जो होता है, फैकल्टी अलग अलग हो जाती है बेटा। इकोनॉमिक्स के स्पेशलाइजेशन के लिए आपको एमए इन इकोनॉमिक्स में करना होता है,
और तब आप जो है इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइजेशन या पीएचडी कर सकते हो। मैम अगर सिर्फ पीएचडी ऑफ कॉमर्स चूज करेंगे तो अगर आगे हम कॉमर्स डिपार्टमेंट, यस आप कॉमर्स डिपार्टमेंट में आप अकाउंटेंसी जा सकते हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जा सकते हो, फाइनेंस के थ्रू से पीएचडी जा सकते हो, और इकोनॉमिक्स के अंदर आपको एमए इकोनॉमिक्स कंपलसरी होना है। आप एमए यानी स्पेशलाइज हो इकोनॉमिक में तब जाकर आप ये कर सकते हो। और कॉमर्स के अंदर आपको स्ट्रीम बढ़ जाती है, आप बिजनेस प्रोफेशनल बिजनेस प्रोफेशन के हिसाब से भी कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो। तो हाँ अभिषेक का था क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, नहीं क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, यूजीसी नेट के अंदर कंसेप्ट रिपीट होता है, क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होता। आप कितने भी साल का पेपर उठा लो कोई भी क्वेश्चन आपको रिपीट नहीं मिलेगा, कंसेप्ट मिलेगा। जैसे न्यू रेशियो शेयरिंग रेशियो मैंने आपको बताया था तो उसका कंसेप्ट दे देगा, यानी ये साल आपको जो है अगर पार्टनर्स का कैलकुलेशन पूछ रहा है तो वहां पर आपको पार्टनर्स की डेफिनेशन पूछ लेगा। बेटा बिजनेस इकोनॉमिक्स आता है लेकिन इकोनॉमिक फैकल्टी अलग हो जाती है। वेदर यू वुड लाइक टू बी अपियर द पीएचडी इन इकोनॉमिक तो यू शुड हैव टू बी क्वालिफाइड विद द एमए इन इकोनॉमिक्स, सब्जेक्ट ही अलग हो जाता है। इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइजेशन करने के लिए, पीएचडी करने के लिए आपको जैसे कि 8 सेक्शन होता है, 8 सेक्शन में एमए के लिए, एमए लिटरेचर में भी होता है, एमए हिस्ट्री में भी होता है, एमए हिंदी में भी होता है, अलग अलग लैंग्वेजेस पे भी चला जाता है। तो एमए हिस्ट्री भी होता है और एमए इकोनॉमिक्स भी होता है। उसी तरह आपको इकोनॉमिक्स के अंदर एमए इकोनॉमिक्स क्वालिफाइड होना है तब जाके आप नाउ इज दिस क्लियर एवरी वन, कि किसी को कोई डाउट, किसी को कोई क्यूरीज है? हेलो सो यही चीजें मैं आपको बताना चाहती थी। और पीएचडी के लिए क्वालिफाइड होने के लिए अगर आप कॉमर्स फील करते हो तो कॉमर्स में बैंकिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस, अकाउंटिंग ये सारे कंसेप्ट अलग होते हैं। उसमें इकोनॉमिकल साउंड आता है, आप उसमें इकोनॉमिक्स के थ्रू से भी जा सकते हो। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक के लिए आपको इकोनॉमिक का एग्जाम अलग देना पड़ेगा, कॉमर्स का एग्जाम अलग देना पड़ेगा। ओके तो इसीलिए कॉमर्स के लिए देखो हम लोगों का कॉमर्स का पेपर भी अलग होता है। अगर आपने देखा होगा कॉमर्स की मैम है
हमारा बिजनेस इकोनॉमिक चलेगा, लेकिन कॉमर्स का इधर इकोनॉमिक्स का लेक्चर भी होता है साइड में, सो ये सब बातें हमको ध्यान रखनी पड़ती है. ओके, सो नॉट एन इशू, हम इंशाल्लाह कल मिलेंगे वापस, और कल हमारे बिजनेस इकोनॉमिक पे कंसर्न करेंगे, और जो भी आपके डाउट्स, जो भी आपकी क्यूरीज है, ठीक है, वो आप लोग एक नोट डाउन कर लिया करो. नोट डाउन करने के बाद मुझसे क्लियर कर लिया करो. मैं जैसे जैसे सेशन में, अगर आपको लगता है मैं सेशन में कंप्लीट करूंगी, या फिर अगर मुझे लगता है कि डाउट बहुत ज्यादा है, आज का लेक्चर पे कॉन्सेंट्रेट करना है, तो हम उस लेक्चर को जो है डाउट सेशन का एक लेक्चर बना के आपके लिए सामने रख देंगे. ओके, तो अभी हमको फोकस करना है हमारे यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ पर, जो हम अच्छे से कर सकते हैं. ओके डियर, सो टुडे इट्स ओनली द एंड. कल एक्चुअली हमारे रिलेशन में डेथ हो गई थी, सो आई हैव टू बी वेंट ओवर देयर. अच्छा, सडनली जाना पड़ा जी, सो इसीलिए मैं आपका लेक्चर नहीं ले पाई थी कल. नॉट एन इशू, आई विल गोइंग टू बी कंडक्ट टुमारो ऑनवर्ड, और संडे भी एक ले लेते हैं. ओके, तो चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, शब्बा खैर, मोस्ट वेलकम डियर. चलो बाय बाय एवरीवन.